जय जिंद्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:50 हो गई है, मार्केट बंद हो चुका है और आज हमने कल के लो के नीचे बंद किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की क्लोजिंग आई है 524 और 44,300, ठीक है, 44,300 बैंक निफ्टी में, 524 निफ्टी में। अब देखिए यही चीज़ मैं चाहता था। मैं आपको याद है आप लोग को बोला था 450 के नीचे जब तक क्लोज नहीं, तो आज क्या हुआ 600 के नीचे तो चला ही गया, लेकिन हमने 500 जब छू ही दिया तो अब तो 450 हमारा फाइनल सपोर्ट था, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन का। इसके नीचे क्लोज होगा तो मंदी आएगी, ये मैंने आपको बोला था। और एक क्लोजिंग इसके नीचे दो क्लोजिंग चाहिए 604 के नीचे, मैंने बोला था, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें आज का लो तो 504 504, अगर मैं कैलकुलेट करूं 786 पॉइंट, 20 222 मैंने 786, देखिए आज हमने पहली बार 61.8% के नीचे क्लोज किया। इस रैली का 61.8% के नीचे हमने क्लोज किया आज पहली बार, ठीक है। नाउ एक ही चीज़ बनती है, 19,436 फाइनल फिबोनाची नंबर, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन 78.6% 78.6% ये होता है फाइनल नंबर, इसके बाद सीधा 100% ही होता है। तो 78.6% आता है, तो अगर आप 20,222 से 786 को घटा दोगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। तो 19,456 हमारा इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे भी। तो आज क्या हुआ, 504 तक हमने छू दिया। अब आपको मैं बताता हूँ क्यों ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये लो था 18,646, यहाँ पे हाई बनाया, देखिएगा ध्यान दीजिएगा 19,991, 18,646 ये कैंडल का लो, ठीक है। और यहाँ पे बना हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 19,992, ठीक है, 992। और यहाँ पे बना 19,223, 19,223 इस लो पे, और यहाँ हाई बना 20,222, और अभी तक लो बना 19, ये वाला लो अगर हम ले लेते हैं तो 19,504। अभी हम इसको फाइनल नहीं मानते, हो सकता है कल नया लो बनाए, ये भी पॉसिबल है। अब आप देखो यहाँ पे इस लो से जब इस हाई को गया तो उसके बाद एक हायर लो बनाया 19,223 का, है ना, और एक हायर हाई बनाया 20,222 का, ठीक है। अभी तक हम इन लोस को कनेक्ट करें, दिस लो टू दिस लो, तो अभी तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, सपोर्ट की राइजिंग ट्रेंड इंटैक्ट है। राइजिंग ट्रेंड कब टूट जाता, अगर आज हम 19,456 के नीचे क्लोज करते, किसके नीचे, 19,456, और 19,436 आपको बताया मैंने अभी 78.6% रिट्रेसमेंट होता है निफ्टी का, जो ये 1,000 पॉइंट की राइज हुई उसका 78.6%। ये 1,000 पॉइंट यहाँ से यहाँ बढ़ा तो उसमें से 786 घटाओगे तो 19,436 आता है, ये फाइनल सपोर्ट बनता है। और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 19,456 आज के लिए था, अब कल के लिए ये सपोर्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर टुमोरो वी शुड नॉट क्लोज बिलो ये लेवल, आप लोग बड़े अक्षर में लिख लीजिए 19,480। कल के लिए ये स्टॉप लॉस है, एनी क्लोज बिलो 19,480
तो फिर हम ये जो राइजिंग ट्रेंड का पैटर्न बना रखे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे आने का मतलब होता है फिर ये इसको तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, फिर 19223 भी टूटेगा। अगर हम कल इसके नीचे क्लोज करते हैं तो फिर 18900 का टारगेट कंफर्म हो जाएगा। तो अब हमारा स्टॉप लॉस है एनी क्लोज, एक सिंगल क्लोजिंग, यहाँ दो क्लोजिंग का कोई वेट नहीं करना। आज का लो ऑलरेडी 19504 है और अभी भी ये ट्रेंड इंटैक्ट है, यानी कि वी कैन स्टिल मेक ए हायर हाई, है ना, जो कि 20400 से ऊपर ही होना चाहिए। ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट, ये जो ट्रेंड मैंने बनाया अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड है, जो कि आप यहाँ हायर लोज बन रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन अभी तक टूटी नहीं है, ठीक है। तो ये ही कारण है मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल शायद 200 से 250 पॉइंट की तेजी हमको देखने मिले, उसके और बहुत सारे कारण हैं। मैं आज बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी करके दूंगा आपको। फिलहाल आप एक काम करता हूँ, इसको उसको सेव भी मार देता हूँ, निफ्ट न्यू, ठीक है। यहाँ मैं बैंक निफ्टी भी आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। बैंक निफ्टी ने शायद कल का लो नहीं तोड़ा। आज मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो मैं मोबाइल के नेट से चालू किया हूँ, तो हो सकता है आज आपको बहुत स्लो अपडेट इसमें होगा, इसलिए मैंने आज दिन में भी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए। और बिल्डिंग में आज विसर्जन का भी प्रोग्राम था, तो देखिए कल का लो इंटैक्ट है। कल का लो जो था 44182 वो टूटा नहीं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी तो कल बुधवार का ही लो बना हुआ है। बैंक निफ्टी तो अभी तक हो सकता है कल के दिन नया लो बनाए या आज के हाई को तोड़ दे। आज का हाई नया, अगर आप देखो आज रेड कैंडल होने के बावजूद हायर हाई एंड हायर लो बनाया, कल के हाई को तोड़ा लेकिन कल के लो को नहीं तोड़ा। तो बैंक निफ्टी कल एक सरप्राइज तेजी देना लगभग तय लगता है। अब इसको हम यहाँ पे भी एक बड़ा सपोर्ट बना के देख लेते हैं, क्या इसका बड़ा सपोर्ट बनता है। दिस लो कनेक्ट विथ दिस लो, तो ये देखिए ये तीनों लो कनेक्ट हो रहे हैं, तो यानी कि लो बन चुका है बैंक निफ्टी। ये लो से मैंने ये लो कनेक्ट किया, ये लो में ऑटोमेटिक टच हुआ और आज ये लाइन के ऊपर ही है। तो जब तक हम इस लाइन के नीचे नहीं क्लोज करें बैंक निफ्टी में मंदी नहीं है। ये लाइन का फिगर क्या आएगा देख लेते हैं, कल के लिए ये फिगर निकल जाएगा 44210। जब तक बैंक निफ्टी 44210 के नीचे नहीं क्लोज करे तब तक बैंक निफ्टी में मंदी आने के कोई चांस नहीं। 44210 आज का लो कितना है, 44257, ठीक है, और 300 पे क्लोज किया, यानी 100 पॉइंट का आपको डिफरेंस है। और ये भी एक बड़ा तेजी मार के 47 की तरफ जाए, तो यहाँ पे भी देखिए अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन है, हायर लोज है। इस लो से ये वाला लो ऊपर है और इस लो से ये वाला ऊपर है, अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन। तो क्लियर स्टोरी है, कल एक बड़ी तेजी सरप्राइज करेगी आपको। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगेगा इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, आज तो वीकली एक्सपायरी वगैरह सब होगी तो पीसीआर देखने का कोई मतलब तो है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं आप पीसीआर का क्या हाल है। लेट अस सी, कल तो नया पीसीआर आएगा सुबह, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी हो गई और मंथली भी हो गई। ये पीसीआर भी अगर आप देखो तो 0.84 आ चुका है निफ्टी का, लेकिन कल शायद 1 के ऊपर ही दिखेगा। आज शायद विक्स मेरे ख्याल में काफ़ी तेज हुआ था, इसीलिए विक्स के कारण से आज मार्केट गिरा है।
0.78। तो यानी कि देखिए नई सीरीज में इतने कम पीसीआर से जाने से मामला बनेगा नहीं, तेजी ही बनेगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इंडिया विक्स, देखिए डॉलर इंडेक्स वगैरह काफ़ी बढ़ चुका है ये मानता हूँ मैं, आज इंडिया विक्स 11% तेज बंद हुआ है, तो एक टेंशन वाला साइन तो इसने दिया। यहाँ पे मैं इंडिया विक्स का चार्ट लगाना चाहूँगा, वहाँ पे कोई ब्रेकआउट अगर आया तो फिर टेंशन की बात है। तो ब्रेकआउट कैसे चेक करेंगे हम, ये देखिए यही एक चीज़ है जो हमको बचा रखी है। यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स बना लीजिए आप, देखिए वेरी इजी तरीका आपको पता चलने का कि मंदी तेजी खत्म हो गई। कैसे, आप इस टॉप को लेके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए, जिस दिन इंडिया विक्स इसको क्रॉस करेगा, ये फिगर क्या आता है 13.71 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, 13.71 के ऊपर, तब जाके एक जोरदार मंदी आएगी 500 से 700 पॉइंट की, 13.71। अभी तो अगर आप देखो तो इसको भी मैं हटा दूं तो यहाँ एक छोटे से दायरे में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के दायरे में ये खेल रहा है। आ जाता, आज अगर थोड़ी सी भी ऊपर क्लोजिंग आती तो ये छोटा बॉक्स का भी ब्रेकआउट आता, लेकिन देखिए ये टॉप्स जो थे तीन चार इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, यानी कि आज की मंदी थोड़ी सी नकली मान सकते हैं। ये जो ऊपर आपको तीन डॉटेड लाइंस दिख रही है, एक दो तीन, इनके ऊपर आज क्लोजिंग आती इंडिया विक्स की, खाली वीक आई है इसकी, बॉडी देखिए इसके अंदर है, यानी कि ये आज एक फेक मूव, और देखिए इसका लोअर एंड भी आज छुआ अपर एंड भी आज छुआ, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहीं आज के लिए। तो आज का इंडिया विक्स का अगर लो देखोगे आप तो इट वाज 69.39 और हाई था 13.02, मगर क्लोज करते करते वो 12.75 पे ही क्लोज किया। अगर ये 12.90 पे भी क्लोज करता तो हम मानते कि कल एक गिरावट और आएगी। ये बॉक्स के अभी भी अंदर है तो ये बॉक्स हमको कॉन्फिडेंस देता है। और इसका एक और वर्सन ऑफ बॉक्स क्या होगा, एक और वर्सन कौन सा होगा, ये वाला यहाँ पे, इसके ऊपर निकलेगा क्लोजिंग तो मंदी आएगी, लेकिन कन्फर्मेशन वाली बड़ी मंदी कहाँ से आएगी, जब इस सेकेंड बॉक्स के ऊपर निकलेगा। अब सेकेंड बॉक्स का मैं कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस बॉक्स के ऊपर निकला तो मंदी आएगी, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर निकला तो कंफर्म मंदी आएगी 500 पॉइंट की ओर। ये इंडिया विक्स बताता है, इंडिया विक्स क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, तो वॉलेटिलिटी आज जरूर बढ़ी है, क्योंकि आज देखो आप सुबह पहले तेज हुआ था मार्केट, अगर आप मार्केट पे जाओगे सुबह इट मेड ए हाई ऑफ 747 और वहाँ से वोलेटाइल होकर वापस 501 का लो बना है। सो इट क्लियरली शोज के आज वॉलेटिलिटी तो इंक्रीज हुई है। अब हमको देखना चाहिए कि विदेश में क्या क्या सिग्नल और आ रहे हैं, विदेश से क्या क्या सिग्नल और आ रहे हैं। विदेश से सिग्नल देखने के लिए हमको वापस से डाओ फ्यूचर पे देखना पड़ेगा। हालांकि डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी तो 18 पॉइंट प्लस में ही है, ठीक है, तो हो सकता है रात को ये 400 पॉइंट प्लस हो जाए, 400 पॉइंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे एक सरप्राइज तेजी लग रही है, फ्राइडे भी और थर्सडे को लो बना, ठीक है,
और हो सकता है 400 मंदा भी हो जाए, ये भी नहीं बोलता, लेकिन मुझे चांसेस 90% वही लग रहे हैं। प्लस अब आ जाते हैं डॉलर, यूएस डॉलर इंडेक्स, ये सबसे बड़ी चिंता बन के खड़ा हुआ, ये सबसे बड़ी, ये 107 के आसपास पहुंच गया होगा लगता है, देख लेते हैं। नहीं आज तो गिरा है, चलिए अच्छी बात है, यानी कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी रिकवरी आई होगी आज, देखें गोल्ड सिल्वर थोड़ा रिकवर हुआ क्या। हाँ 457 से 700 पे आ गया वापस, और ये भी अच्छा खासा रिकवर किया, 450 से 500, ठीक है कोई बात। और बॉन्ड हिल यूएस 10 ईयर और 2 ईयर मुझे दिखना हमको, क्या यार ये तो वापस स्लो हो गया, चलो खुल जाएगा। ये देखिए क्या इंक्रीज हो रहा है, ये एक बड़ा टेंशन है, ये जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है ना ऐसे, ये राइजिंग में, यही एक बड़ा टेंशन है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड जब जब बढ़ेगी तो इक्विटी मार्केट से पैसा निकलता है बॉस, ये लिख लीजिए आप, है ना। और ये 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4.75 पे आ गई है, और अगर मैं यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखूँ तो 5 पॉइंट कितना हो गई होगी, यूएस 2 ईयर आज 5.08 पे है, ये तो माइनस में आज का देखें, मगर ये सब दोनों 16 साल के हाई पे चल रही है 5.12, थोड़ा आज गिरा है तो थोड़े अच्छे संकेत है, बुरे नहीं आज संकेत, ठीक है। तो रात को डाउ जोन्स अच्छी तेजी दिखा सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्टिल कल के लिए मैंने आपको एक लेवल दे दिया 19480, एनी क्लोज बिलो दिस शॉर्ट में भी बैठना है, माल तो काटना ही है, शॉर्ट में भी बैठना है अगर कल किसी भी कारण से इस 480 के नीचे क्लोज हो। आज की क्लोजिंग 19524 है, तो हमको शॉर्ट भी मारना अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा था, ठीक है। और अगर कल वापस से 604 के ऊपर क्लोज हो गया तो फिर बहुत अच्छी तेजी कंफर्म बता देगा मार्केट, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय।